हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाउ मम्मी। आज हम बना रहे हैं ब्रेड ऑमलेट सैंडविच। ये बहुत टेस्टी बनता है और एकदम अच्छे से स्टफ रहता है। आप इसके अंदर चीज भी डाल सकते हैं। चीज डालने से बच्चों को बहुत अच्छा टेस्ट आता है और एकदम स्टफ बनता है। आप ये नाश्ता कर लेंगे तो आपका पेट फुल रहेगा और एक हेल्दी नाश्ता है। इसे केचप के साथ सर्व करना है। ये किस तरीके से बनती है मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए हमने दो ब्रेड पे अमूल बटर अप्लाई किया है और उसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ब्रेड में। ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए। अब इसे हम निकाल लेंगे और सेम तरीके से हम दूसरा ब्रेड भी फ्राई कर लेंगे। ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसे भी निकाल लेंगे। हम दो स्पून ऑयल डालेंगे, एक स्पून जीरा डालेंगे, इसमें फाइनली चॉप किए हुए अनियंस डालेंगे और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक थोड़ा कुक करेंगे। इसमें दो हरी मिर्ची बारीक काट के डालेंगे हम। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/4 पीस टमाटर का है, उसे हमने बारीक चॉप किया है। हम दो अंडे का ऑमलेट बना रहे हैं, इसके लिए टमाटर ज्यादा नहीं डालेंगे। एक टमाटर का 1/4 पार्ट है, उसे हमने बारीक चॉप किया है और डाल दिया है। अब इसमें हम हमारे टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। दो अंडे के हिसाब से हम नमक डालेंगे। 1/4 स्पून हल्दी डालेंगे, 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए और कुक होने देंगे। इसमें थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे। अब ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर ये पूरा मसाला ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें हम दो अंडे डालेंगे हमारे मसाले में। दो अंडे डाल के हम इसे अच्छे से बीट करेंगे, मिक्स करेंगे मसाले में। आपको अच्छे से मिक्स करना है मसाला। अब हम सेम पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे। अब जो हमारा ब्रेड है, ब्रेड के स्लाइस लेंगे, इसमें अच्छे से डिप करेंगे अंडे में। और इसे हमारे पैन में डाल देंगे। आपको स्लो गैस पे इसे कुक करना है। ऊपर से हम थोड़ा और मसाला डालेंगे। इसे एकदम स्लो गैस पे आपको अच्छे से पकाना है। इसे कवर कर देंगे। अब इसे हम खोल के देखेंगे। ये हमारा एक साइड से अच्छे से हो गया। अब इसे हम पलट देंगे। अब दूसरी साइड से भी हम थोड़ा और अंडा डालेंगे इस पे। आपको एकदम अच्छे से स्टफ करना है आपके ब्रेड को, ताकि वो सूखा सूखा खाली खाली नहीं लगे। आप इस तरीके से अंडा अच्छे से स्टफ करके बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनता है। अब इसे वापस से पलट देंगे। ये हमारा ब्रेड ऑमलेट बहुत अच्छा बना है, एकदम स्टफ है। आपको सूखा सूखा ब्रेड नहीं लगेगा। हमारा ब्रेड ऑलरेडी बटर में फ्राई किया हुआ है, बस आपको इसको अच्छे से सेकना है सब तरफ से। एक बार पलटेंगे वापस से। आपका जो ऑमलेट का मसाला अंदर गया है, वो भी अंदर से कुक हो गया है, क्योंकि आपने इसके स्लो गैस पे अच्छे से पकाया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। हमारा जो दूसरा स्लाइस है, हम उसे भी डाल देंगे ऑमलेट में। अब इसके ऊपर हम मसाला डाल देंगे। इसे भी कवर होके कुक होने देंगे। इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसे कवर कर देंगे। ये एक साइड से कुक हो गया है। अब हम इसे पलट देंगे। बहुत टेस्टी लग रहा है इसी तरीके से। अब इसमें हम और अंडा डालेंगे। अब इसे पलट लेंगे। ब्रेड ऑमलेट में ऑमलेट अच्छा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा हम दबा दबा के इसको प्रेस करके पकाएंगे। ये ऑमलेट हमारा रेडी हो गया है। इसमें हम थोड़ा चीज ग्रेट करेंगे।
और इसे दूसरे ब्रेड से कवर कर देंगे। बस 2 मिनट लिए इसके दबा के पकाएंगे और अब इसे हम सर्व कर देंगे। हमारी चीज थोड़ी मेल्ट हो जाए, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा ऑमलेट सैंडविच रेडी हो गया है। इसके अंदर का चीज बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसे हम कट करेंगे। इसे टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी यम्मी और आपका परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। आपका पेट भी भर जाएगा। आप इसे गर्मा गर्म बनाइए, आपके बच्चों को खिलाइए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।